हेलो स्टूडेंट्स आई एम गोविंद प्रसाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई विन इन दिस वीडियो आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टैंड तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टैंड में फूड का डाइजेशन कैसे होता है तो लेटेस्ट सी अबाउट स्मॉल इंटेस्टैंड स्मॉल इंटेस्टैंड इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट इज नैरोज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन सो इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बहुत ही नैरो होता है लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में यह काफी नैरो होता है इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलाटेड ट्यूब एंड इट इज एक्सट्रेमली क्वाइल टू गेट एकोमोडेटेड इन स्मॉल स्पेस स्मॉल इंटेस्टाइल जो होता है वो एक लंबी एक लंबी नली होती है नल का आकाश संरचना है लाइक स्ट्रक्चर है और छोटे से स्पेस में अकोमोडेट होने के लिए व्यवस्थित होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइल क्या रहती है क्वाइल्ड फॉर्म में रहती है ना क्वाइल कुंड रूप में रहती है क्वाइल्ड फॉर्म में रहती है द लेथ ऑफ स्मॉल इंटस्टाइल डिपेंड्स अपॉन द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग बींग लार्जर इन हार हर्बिवोर्स एंड शॉर्टर इन कार्निवोर्स तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई है वह निर्भर करता है एनिमल के भोजन की आदत पर तो so, जैसा एनिमल उसके शरीर में वैसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बिवोर्स शाकाहारी एनिमल्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है और कार्निवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बिवर्स के अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है ह्यूमन बींग्स इट इज अबाउट सिक्स मीटर इन लेथ एंड हैविंग ए डायमीटर टू पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ह्यूमन बींग में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग छ मीट छ मीटर के करीब होती है और वह एबनल का भिट्टी में एक क्वाइल्ड फॉर्म में मौजूद रहती है इसका डायमीटर टू पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के बीच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द सीट ऑफ मेजर डाइजेशन एंड एब्जॉपन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पर सबसे ज्यादा डाइजेशन और साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा डाइजेशन फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के साथ साथ फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है डाइजेशन इन स्मॉल स्टैंड इज कैरियड आउट विद द हेल्प ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनिक्रियान डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रेटेड द देंटेस्टनल ग्लैंड मोस्टली प्रजेंटिंग द बेसिस ऑफ विलाई द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टनल ग्लैंड इज कॉल्ड सक्स एंट्रिक तो स्मॉल इंटेस्ट में जो डाइजेशन होता है फूड का वह कैसे होता है तो so, लीवर और पेनक्रियाज दो प्रकार के ग्लैंड हैं जो ओपन होते हैं खुलते हैं कहाँ डिओडिनम में ही तो so, लीवर से बाइल जूस आता है पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस आता है दोनों डिओडिनम दोनों का जो सिक्रेशन है वो डिओडिनम में आता है और डिओडिनम में आकर वो भोजन को डाइजेस्ट करता है और इसके अतिरिक्त स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको हम लोग इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं इससे भी एक जूस निकलता है जिसका नाम इंटेस्टिनल जूस या सस्कस एंट्रिकस है वो भी भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है तो जैसा कि हम बताएं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का भोजन का डाइजेशन होता है और साथ ही साथ डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्बशन भी होता है तो डाइजेशन जो होता है वह कैसे होता है यह हम पहले ही बता चुके हैं कि लीवर और पेनक्रियाज ये दो ग्लैंड्स हैं ये दोनों ग्लैंड अपने सिक्रीशन को क्या करते हैं डिओडिनम में भेजते हैं जहाँ पर ये ये क्या करते हैं भोजन को डाइजेस्ट करते हैं और इसके अतिरिक्त स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में कुछ इंटेस्टैन ग्लैंड होते हैं उससे भी सीक्रेशन निकलता है जिसको हम लोग सस्कस सिंट्रिक्स कहते हैं वो सस्कस सिंटक्स भी भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है डाइजेशन के साथ साथ भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होता है डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है वो कैसे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विलाई तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो विलाई के माध्यम से होता है विलाई क्या है वाट आर विलाई विलाई आर ट्रांसवर्स फोल्ड फिंगल एग प्रोजेक्शन ऑफ इंटेस्टर वाल दैट नॉट ओनली इनक्रीज द सर्फेस एरिया बट ऑल्सो रीच डीप इंटू द ल्यूमैन ऑफ इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉपन ऑफ डाइजेस्टेड फूड तो विलाई जो होता है वह क्या है इस्मोल इंटेस्टाइन के इनर वॉल से कुछ फिंगर एग प्रोजेक्शन जो हैं वह एराइज करते हैं और ये फिंगल एग प्रोजेक्शन जो होते हैं इन्हीं को हम लोग विलाई कहते हैं ये विलाई क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ ये विलाई जो है यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंटेस्टाइन के ल्यूमन तक चले आते हैं और क्या करते भोजन का एब्जॉर्प्शन करते हैं विलाई प्रोसेस ब्लड कैपलरीज एंड स्लिम वेसल फॉर क्यूक ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन विलाई में ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं ब्लड कैपिलरीज होता है और लिम वेसल्स होता है जो डाइजेस्टेड फूड को क्विक ऑब्जॉर्ब तेजी से ऑब्जॉर्ब करता है ताकि उस डाइजेस्टेड फूड का पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन हो सके डिस्ट्रीब्यूशन हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफ्रेंस इन थ्री पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं डिओडिनम जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन भागों में बांटा गया है डिओडिनम जेजुनम और इलियम डिओडिनम इट इज़ यू शेप प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो डिओडिनम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे वाला हिस्सा है इंटीरियर पार्ट है प्रोक्सिमल पार्ट है और ये यू शेप का होता है इट रिसीव्स पार्सली डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड फ्रॉम एस्टोमिक तो ये जो डिओडिनम है वो एस्टोमिक से पार्सली डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड मतलब आधा पचा हुआ एसिड युक्त तो भोजन जिसको हम लोग कायम करते हैं वह स्टोमिक से रिसीव करता है डिओडिनम की जो लंबाई होती है करीब 25 सेंटीमीटर होती है डिओडिनम हैज नो इट्स डाइजेस्टिव ग्लैंड डिओडिनम में अपना कोई ग्लैंड नहीं होता डियोडिनम एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहाँ इसका अपना कोई ग्लैंड नहीं होता इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ टू डिफरेंट ग्लैंड यहाँ पर दो अलग अलग ग्लैंड खुलते हैं और वह अपना सिक्रीशन भेजते हैं एक ग्लैंड लीवर है और दूसरा पेनक्रियाज है तो जैसा कि हम बताएं कि डिओडिनम में अपना कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता लेकिन डिओडिनम के इनर वॉल में कुछ डिओडिनल ग्लैंड्स होते है। तो हैं।, हैं तो इनर वॉल ऑफ डिओडिनम पाउसेस डिओडिनल ग्लैंड ये जो डिओडिनल ग्लैंड है ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं विच सिक्रिट म्यूकस दैट हेल्प न्यूट्रलाइजिंग दिसडिटी ऑफ कैम एंड प्रोटेक्ट द इनकेशनल वॉल फ्रॉम क्रोजन तो तो डिओडिनम में ऐसा अपना कोई डाइजेस्टिव ग्ले ग्लैंड्स नहीं होता वह क्या करता है दो अदर ग्लैंड से अपना सिक्रेशन प्राप्त करते हैं लीवर और पनक्रिया से लेकिन इनके इनर वाल में कुछ डियोडिनल ग्लैंड होते हैं जिससे म्यूकस सिक्रिट होता है यह म्यूकस क्या करता है ये जो म्यूकस होता है वह कैम के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है कैम के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है और इंटेस्टेशनल वाल पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़े एसिड कोई अपना क्रोजन जो है नहीं करा सके इससे वो उसको इंटेस्टेशनल वाल को एसिड के क्रोजन से बचाता है एक कॉमन हिपाइटोपेनक्रेटिक डक्ट ओपेंस इनटू द डिओडिनम डिओडिनम एक हिपाइटोपेनक्रेटिक डक्ट ओपेन होता है ये जो हिपाइटोपेनक्रेटिक डक्ट बनते हैं वो कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर और गॉल ब्लाडर लीवर और गोल ब्लड से एक डक्ट आता है जिसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं और पेनक्रिया से पेनकेटिक डक्ट आता है और ये दोनों मिलकर हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट बनाता है जो कि डिओडिनम में खुलता है फिगर द्वारा इसको हम लोग समझते हैं यह है डिओडिनम दिस इज द डिओडिनम यू शब्द के आकार का डिओडिनम होता है 25 सेंटीमीटर करीब ये लंबा होता है इस डिओडिनम में ये देखिए ये है लीवर से आने वाला डक्ट या डक्ट ऑफ लीवर जिसको हम लोग हिपैटिक डक्ट कहते हैं यह हिपैटिक डक्ट है और यह गोल ब्लाडर लीवर की इन्फेरियर सरफेस पर एक थैलीनुमा रचना होता लो लो है बैकलेक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग गोल ब्लाडर कहते हैं तो गोल ब्लाडर से एक डक्ट आ रही है इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट तो लीवर से आने वाला हिपैटिक डक्ट और गोल ब्लाडर से आने वाला सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर ये जो बनाता है ये कॉमन बाइल डक्ट बनाता है दिस इज द कॉमन बाइल डक ये बनाता है और ये पेनक्रियाज है ये क्या है पेनक्रियाज है डिओडिनम के यू आकार का जो जगह बनता है उस जगह में यह पेनक्रियाज होता है बिहाइंड द स्टोमिक स्टोमिक के पीछे ये पेनक्रियाज से एक डक निकलती है इस डक का नाम है पेनक्रेटिक डक्ट ये डक्ट क्या है पेनक्रेटिक डक्ट तो सिस्टिक डक्ट और जो कि गॉल ब्लडर से आ रहा है हिपैटिक डक्ट जो कि लीवर से आ रहा है ये दोनों ये सब मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट ये जो कॉमन बाइल डक्ट है और ये पेनक्रिया से आने वाला पेनिक्रेटिक डक्ट है और ये दोनों डक्ट मिलकर ये बनाता है हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट यह हिपैटो पेनिक्रेटिक डक्ट है ठीक है और यह पाइटो पेनक्रेटिक ओपन होता है कहाँ डिओडिनम में यहाँ पर डिओडिनम में खुलता है यहां पर एक स्पिंक्टर होता है जिसको हम लोग इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं जो गार्ड करता है इस ओपनिंग को गार्ड करता है तो अब क्या होगा लीवर से जो जूस निकलेगा बाइल जूस वह कॉमन बाइल वह आएगा कहाँ कॉमन बाइल डक्ट में कॉमन बाइल डक्ट होते हुए हिपाइटो डक्ट होते हुए डियोडिनम में आएगा और पेनक्रिया से जो पेनक्रेटिक जूस निकलेगा वो पेनक्रेटिक डक्ट में आएगा और पेनक्रेटिक डक्ट होता हुआ हिपाइटो डक्ट में आएगा अब उससे होकर डियोडिनम में चला आता है तो इस प्रकार हिपाइटो डक्ट डायल जूस भी लाता है और पेनक्रेटिक जूस भी लाता है कॉमन वाइल्ड डट ड्रिंक्स वाइल जूस फ्रॉम लीवर एंड गोल्ड ब्लाडर टू डिओडिनम भाया तो लीवर से क्या निकलता है बाइल जूस निकलता है और वह कहाँ कर कंसनट्रेट करता है गोल्फ ब्लैडर में तो लीवर और गोल ब्लाडर से बाइल जूस निकल कर कहाँ आता है कॉमन बाइल डक्ट में और वो बाइल डक्ट क्या करता है वायल जूस को हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट में भेज देता है और हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट से वायल जूस डिओडिनम में चला आता है तो अब हम लोग देखते हैं वायल जूस एटस है ना लेट अस सी अबाउट द वाइल जूस अब हम लोग वायल जूस के बारे में पढ़ते हैं वाइल जूस जिसको हम लोग हिंदी में पीत रस कहते हैं वायल जूस इज एलोइस ग्रीनिस डाइजेस्टिव जूस वायल जूस एक प्रकार का पीले हरे रंग का क्या होता है डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्टिव जूस होता है पाचक रस होता है विच इज सिक्रिटेड बाय लीवर जो कि लीवर के द्वारा सिक्रिट किया जाता है एज यू नो लीवर इज ए कीवर इज ए लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इट लीवर कंसिस्ट ऑफ हिपैटिक सेल्स सो स्टडी ऑफ लीवर इज ऑल्सो नोन एज हिपेटोलोजी दिज हिपैटिक सेल्स सिक्रिट्स डायजेस्टिव जूस बैल जूस तो यह लीवर से बायल जूस सीक्रिट होता है और वह गोल्ड ब्लाडर में आकर कंसनट्रेट होता है सादृत होता है वायल जूस जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है वायल well जूस जो है वह डिओडिनो में इंटर करता है किसके द्वारा हिपैटो पेनक्रेटिक डग से तो जैसा कि हम बताएं कि लीवर का हिपैटिक सेल वायल जूस को बनाता है वह वायल जूस गोल्ड ब्लाडर में कंसनट्रेट होता है फिर वहाँ से वह कॉमन डक्ट में आता है कॉमन वायल डक्ट से फिर हिपैटोपेनिक्रेटिक डक्ट में आएगा फिर वहाँ से यह डिओडिनो में चला आता है अब एक कंपोजिशन ऑफ वायल जूस वायल जूस का कंपोजिशन उसकी रचना को देखें वायल जूस में क्या क्या चीज़ मौजूद होता है तो वायल जूस कॉन्टेंस वाटर वाटर वायल जूस में वाटर होता है बाइल सॉल्टस होते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम ग्लैको कॉलेट सोडियम टॉरो कोलेट ये दो ये जो बाइल सॉल्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सीफिकेशन ऑफ फाइट वायल जूस का एक मेजर फंक्शन है वह है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फैट मॉलिकूल्स इंटू अस्मॉलर ग्लोब्यूल्स दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन तो फैट्स को बड़े बड़े फैट्स के कनों को छोटे छोटे कनों में तोड़ देना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता और ये वायल जूस के वायल सॉल्ट के माध्यम से होता है थर्ड है बायल पिगमेंट्स बाइल पिगमेंट्स में बिलरोबिन और बिलीवर्डिन होता है जिसमें बिलोबिन ग्रिन बिलीवर्डिन जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं और बिलरोबिन जो होते हैं येलो कलर के होते हैं ये कैसे बनते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रेक डाउन और डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ आर बी सी आर बी सी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल आर बी सी डब्ल्यू बी सी एंड ब्लड प्लेटलेट्स तो आर बी सी में हीमोग्लोबिन नाम का एक आयरन कॉन्टेनिंग पिगमेंट होता है और ये हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो इसका ग्लोबुलिन पार्ट जो कि प्रोटीन पार्ट होता है अलग होता है और हीम अलग हो जाता है हीम जो होता है वो आरबीसी का आयरन पार्ट होता है तो हीम जो है वो जब टूटता है तो यानी आयरन पार्ट जो आरबीसी का है वो जब टूटता है तो वो टूटकर बिलोबिन और बिल्वडी नाम का बाइल पिगमेंट्स बनता है ये सारा काम लीवर में होता है तो लीवर में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है उसका मौजूद हीमोग्लोबिन आयरन क्वेनिक पिगमेंट हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है डिस्ट्रक्ट होता है टूटता है हीम अलग हो जाते हैं प्रोटीन अलग हो ग्लोबिन अलग हो जाता है ग्लोबिन जो है प्रोटीन पार्ट है वह डाइजेस्ट होता है और हीम जो है वह टूट कर बिलोबिन और बिल्बडिन नाम का दो बाइल पिगमेंट्स बनाते हैं ये दोनों बाइल पिगमेंट्स डाइजेस्टिव जूस यानी बैल जूस के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं फिर वहाँ से फीकस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड के द्वारा शरीर से बाहर चले आते हैं थर्ड है कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिट ये सब बहुत ही कम अमाउंट में में मौजूद होते हैं लेटे सी फंक्शंस ऑफ बैल जूस अब हम लोग वायल जूस के फंक्शन को देखते हैं वॉट इज द रोल ऑफ बैल जूस तो बॉल जूस का क्या रोल है डाइजेशन में उसको हम लोग देखते हैं बाइल न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ कैम एंड प्रोटेक्ट डिओडिनल वॉल फ्रॉम क्रोसन जैसा कि हम पहले ही बता चुके वायल जूस क्या करता है कैम के एसिडिटी को हटा देता है और इंटेस्टिनल वाल को डिओडिनल वाल को एसिड के प्रभाव से क्या करता है एसिड का जो हानिकारक प्रभाव उसके दीवारों पर पड़ता उससे वह रोक देता है तो बैल मेक्स द फूड एल्कालाइन फॉर एक्शन ऑफ पेनक्रेटिक जूस तो पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव ग्ले, ग्लैंड है उससे पेनक्रेटिक जूस निकल कर जो डिओडिनम में आता है वह तभी अपना प्रभाव डाल सकता है जब तक कि फूड एल्कालाइन नहीं हो तो वायल जूस क्या करता है उस एसिडिक क्राइम को एल्कालाइन कर देता है ताकि उस पर पेनक्रेटिक जूस अपना प्रभाव डाल सकें इट प्रिवेंट्स पिटरे फैक्शन ऑफ फूड यह इंटेस्टाइन में चूंकि भोजन बहुत देर तक रहता है स्टे करता है तो इंटेस्टाइन इं, में भोजन सरे गले नहीं इससे वह बचाता है भोजन को सड़ने से बचाता है ए मेजर फंक्शन ऑफ बैल जूस इज़ टू ब्रेक फाइट इंटू फाइन ग्लोबुल्स फॉर द एक्शन ऑफ लाइफेज ऑफ पेनक्रेटिक जूस तो वायल well जूस का जो मेन फंक्शन है वायल well जूस का जो मेन फंक्शन है वह है क्या करना फैट को इमल्सिफिकेशन करना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स फैट के लार्जर मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसको फाइनर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है जो कि यह वायल जूस करता है और ऐसा इसलिए इमल्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि पेनकेटिक जूस का जो लाइपेज है वह इसी इमल्सी फाइड फैट पर ही अपना काम करता है तो ब्रेकिंग ऑफ फैट फैट को तोड़ना इंटू फैन ग्लोब्यूल्स फैन ग्लोब्यूल्स में ब्रह फैट्स को तोड़ देना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है और ऐसे फैट्स को हम इमलसी फाइड फैट्स फाइड कहते